ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो पहला ग्रुप है वह है प्लैंक्टोमाइसीट्स। प्लैंक्टोमाइसीट्स जो हैं ये बडिंग बैक्टीरिया हैं। अब आमतौर पे बैक्टीरिया जो हैं उनमें जो बडिंग का प्रोसेस है बड़ा रेयरली होते हैं, तो इसलिए ये एक लिहाज से यूनिक करेक्टर है इस ग्रुप के बैक्टीरिया के अंदर कि ये बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो नॉर्मली जो बैक्टीरिया हैं ठीक है वो चूँकि बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये यूनिक करेक्टर की वजह से जो प्लैंक्टोमाइसीट्स के अंदर जो बैक्टीरिया रखे गए हैं वो सिर्फ वो बैक्टीरिया रखे गए हैं जो बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। कहने कि जो इनका जो डीएनए है, डीएनए की बेस पर इनको बैक्टीरिया जो डोमेन बैक्टीरिया है उसमें रखा गया, अदरवाइज इनकी जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डोमेन आर्किया से ज़्यादा मिलता जुलता है, और इनके जो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस से मिलती हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर आर्किया के करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के भी करैक्टर्स हैं, और डीएनए इनका बैक्टीरिया की तरह है, तो डीएनए की बेस पर इनको बैक्टीरिया में शामिल किया गया है। अदरवाइज ये आर्किया में भी शामिल हो सकते हैं और यूकेरियोट्स में भी, अगर आप इनके सेल वॉल या ऑर्गेनेल्स की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। कह रहे जो इनकी जीनस है प्लैंक्टोमाइसिस, ये एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं और ये स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में किसी टॉपिक में पढ़ा था कॉलोबैक्टीरिया, तो जो कॉलोबैक्टीरिया हैं वो भी स्टॉक्ड बैक्टीरिया हैं, तो ये इनका भी ये भी स्टॉक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये इसी वजह से स्टॉक की वजह से ये वाटर बॉडी के अंदर मूव कर सकते हैं। कह रहे कि इनकी जो सेल वॉल हैं जैसे मैंने पहले बाकी आर्किया के साथ ज़्यादा उसकी रिजेंबलेंस है, लेकिन एक डिफरेंस भी है कि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, हालांकि प्रोक्रियोट्स की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन ऑलमोस्ट तमाम प्रोक्रियोट्स में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसा कि ये प्लैंक्टोमाइसिस जो जीनस है इनमें भी ये पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के अंदर मौजूद नहीं होती। इनकी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है गेमेटा ऑब्स्क्यूरी ग्लोबस, इनकी एक स्पीशीज़ है। अब इसका एक बड़ा यूनिक फीचर है मुझे कि इसके अंदर इंटरनल डबल मेम्ब्रेन है, इसके डीएनए के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस के साथ उसका जो ये फीचर है ये मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये जो करैक्टर है कि इनके डीएनए के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है और डबल मेम्ब्रेन है, तो ये यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के साथ इनकी एक रिजेंबलेंस बन जाती है। कह रहे कि साइंटिस्ट को ख्याल है कि ये जो करैक्टर है इनका कि इनमें डबल मेम्ब्रेन मौजूद है डीएनए के इर्द गिर्द, शायद जो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस का जो ओरिजिन है ठीक है वो इन्हीं से स्टार्ट हुआ, या इनके रिलेटेड जो बैक्टीरिया हैं उनका अंदर जो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के फीचर जो हैं वो बनने स्टार्ट हुए। मतलब जो डबल मेम्ब्रेन है, आपको तक पहले प्रोकैरियोट्स थे उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं वो मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक है लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो शायद जो यूकेरियोट्स में जो डबल मेम्ब्रेन मौजूद है उनके डीएनए के इर्द गिर्द उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है शायद वो इस या इसकी किसी रिलेटेड बैक्टीरिया से स्टार्ट हुए। ये जो इसकी फिगर है इसमें वो दिखा रहे हैं, ठीक है, ये दरमियान में जो है वो न्यूक्लियोइड है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस नहीं कहते, न्यूक्लियस लाइक कहते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन और ये सेकेंड वन, ये डबल मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद है, और ये जो फीचर है ये यूकेरियोटिक सेल का फीचर है। नेक्स्ट जो है इनमें एक फाइलम है, फाइलम क्लेमाइडिया। फाइलम क्लेमाइडिया जो हैं कह रहे हैं कि ये जेनेटिकली जो बैक्टीरिया के साथ मिलते जुलते हैं, और हालांकि इनकी सेल वॉल में भी पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। ठीक है, कह रहे कि जो बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियालॉजी जो हमने पहले पढ़ा था
उसके मुताबिक उसके जो स्टार्ट वाले एडिशंस थे, ठीक है, जो अर्लियर एडिशन थे उसमें इनको रिकेट्सियल बैक्टीरिया के साथ रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि इनका जो करैक्टर है रिकेट्सियल बैक्टीरिया के साथ जो मिलता जुलता करैक्टर है वो ये है कि क्लेमाइडिया भी और रिकेट्सियल बैक्टीरिया भी ये दोनों इंट्रासेलुलरली होस्ट सेल के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलरली का मतलब है कि विद इन द सेल, तो होस्ट सेल के अंदर द रिकेट्सिया नाउ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक कंटेंट विद द अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। लेकिन अब जो बाद में एडिशंस आए बर्गेस मैनुअल के तो उसमें रिकेट्सिया को क्लेमाइडिया से अलग कर दिया गया है, ठीक है, और रिकेट्सिया को अब अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के साथ जो है वो एक ग्रुप में रखा गया। इनकी दो जो इम्पॉर्टेंट जेनरा हैं क्लेमाइडिया एंड क्लेमाइडोफिला, ये दोनों जो जेनरा हैं इनको कलेक्टिवली क्लेमाइडियाज कह देते हैं, ठीक है, क्लेमाइडिया और क्लेमाइडोफिला को क्लेमाइडियाज कह देते हैं। अब इनका यूनिक फीचर ये है कि इनके जो डेवलपमेंटल साइकिल है वो यूनिक है और ये इनका सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है, इस फीचर की बेस पर इनको बाकी बैक्टीरिया से सेपरेट किया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव कोकाइड बैक्टीरिया हैं। कोकाइड का मतलब है कि मतलब मुकम्मल तौर पे गोल नहीं, बेजवी शेप समझ लें। अनलाइक द रिकेट्सिया क्लेमाइडियाज डू नॉट रिक्वायर इंसेक्ट्स और टिक्स फॉर ट्रांसमिशन। तो रिकेट्सिया जो हैं वो बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र होते हैं टिक्स के ज़रिए या किसी दूसरे इंसेक्ट की बाइट के ज़रिए, लेकिन क्लेमाइडिया जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं किसी भी इंसेक्ट या टिक्स से। कह रहे कि ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र फिर कैसे होते हैं अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के ज़रिए नहीं होते? तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एक तो इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट है या एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी रूट है, ठीक है, हवा के सांस की नाली के ज़रिए जो हम सांस लेते हैं तो ये हवा में अगर मौजूद हों तो ये सांस के ज़रिए बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। कह रहे हैं इनको लैब में अगर कल्टीवेट किया करना हो क्लेमाइडिया को तो लैब में इनको कल्टीवेट जो है वो या तो एनिमल्स के अंदर किया जाते हैं या इनको सेल कल्चर्स में किया जाते हैं या योक सैक ऑफ एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग, ठीक है, ये तीनों टेक्निक्स हम पहले पढ़ चुके हुए हैं जब वायरस को कल्चर करने का टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इनको एनिमल्स के अंदर इनाकुलेट करके या सेल कल्चर सेल लाइन बना के या एम्ब्रियोनेटेड जो चिकन एग है उसके अंदर इनको कल्टीवेट किया जा सकता है। कह रहे कि इनकी जो तीन जो स्पीशीज़ हैं क्लेमाइडिया जो ग्रुप है वो ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक हैं। पहली जो स्पीशीज़ है वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है ये ह्यूमंस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ काज करते हैं जिसमें से सबसे जो इसकी जो समझ के जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये काज करते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है कि ह्यूमंस में ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो इनकी वजह से ह्यूमंस में ब्लाइंडनेस हो सकती है और बल्कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो ब्लाइंडनेस की सबसे जो बड़ी वजूहात में से एक ये बैक्टीरिया है। कहते कि इसके अलावा जो है ये यूरीथराइटिस का बायस भी हैं, ठीक है, नॉन गोनोकोकल यूरीथराइटिस। एक तो गोनोकोकल बैक्टीरिया है वो भी यूरीथराइटिस काज करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो यूरीथराइटिस की जो बड़ी वजह है, ठीक है, वो ये वाली स्पीशीज़ है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। अब यूरीथराइटिस क्या है कि जो यूरीथरा है उस के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में से भी एक जो है वो सबसे समझ लें कि एक मेजर डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसफ़र होती है। कहना कि इस जीनस के जो क्लेमाइडोफिला है इसकी भी दो स्पीशीज़ जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ काज करते हैं। क्लेमाइडोफिला सिनेसी की स्पीशीज़ है, ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ सिटेकोसिस काज करती है, इसको
ऑर्निथोसिस भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी इनकी एक और स्पीशीज़ है क्लेमाइडोफिला नमोनिया, ठीक है, तो ये माइल्ड फॉर्म ऑफ नमोनिया। अब हमने इससे पहले भी पढ़ा था माइकोप्लाज्मा जो जीनस है उसकी स्पीशीज़ भी नमोनिया काज करती हैं। तो नमोनिया जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया काज करते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो काजिटिव एजेंट है उस नमोनिया का, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर होगा। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो माइल्ड फॉर्म ऑफ नमोनिया काज करती हैं, कुछ जो है वो सीवियर फॉर्म का नमोनिया होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ है बैक्टीरिया की। अच्छा, ये अब इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल इसका यूनिक इस सेंस में है कि ये होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी जो दो इनकी बॉडी की फॉर्म होती हैं, एक है एलिमेंट्री बॉडी। एलिमेंट्री बॉडी जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है, मतलब ये फॉर्म ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन काज करती है। तो ये सबसे पहले तो होस्ट सेल के साथ आके अटैच होगी, ठीक है। सेकंड पे जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल इसको इनगल्फ कर लेगा, फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उससे इसको इनगल्फ कर लेगा, क्योंकि होस्ट सेल तो अपनी तरफ से इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। जब वो इसको इनगल्फ कर लेगा तो ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा और एक वैक्यूल की शक्ल बन जाएगी। अब जब ये वैक्यूल में आता है तो ये एलिमेंट्री जो बॉडी है ये ख़ुद को तब्दील कर लेते हैं और रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब रेटिकुलेट बॉडी में जब ये कन्वर्ट होते हैं उसके बाद ये डिवाइड करते हैं और रेटिकुलेट बॉडी जो है वो डिवाइड करके मज़ीद रेटिकुलेट बॉडीज़ जो हैं वो बनाते हैं। देन रेटिकुलेट बॉडीज़ जो हैं वो अगेन कन्वर्ट हो जाती हैं वापस जो उनकी इनिशियल फॉर्म थी, दैट इज़ एलिमेंट्री बॉडी, ठीक है। तो रेटिकुलेट बॉडी अगेन कन्वर्ट हो जाती है एलिमेंट्री बॉडी में, और वो जो एलिमेंट्री बॉडी है वो होस्ट सेल को रपच्चर करके वहाँ से रिलीज़ होती है और फिर से नए सेल्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से होस्ट के अंदर इनका लाइफ साइकिल है। तो एक होस्ट में दाखिल होते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, होस्ट सेल को रपच्चर करते हैं, फिर नए सेल्स को जाके इन्फेक्ट करते हैं और इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। ये इनकी दोनों जो बॉडी फॉर्म है वो दिखाई है फिगर के अंदर। तो एलिमेंट्री जो बॉडी है वो ब्लैक डेंस कलर की नज़र आती है माइक्रोग्राफ के अंदर। रेटिकुलेट बॉडी जो है वो लार्ज और रिलेटिवली जो है वो ट्रांसपेरेंट है। और इंटरमीडिएट बॉडी के जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो ना तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है ना ही मुकम्मल तौर पर वो डार्क डेंस कलर में है। नेक्स्ट जो है इनके अंदर ग्रुप है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स जो हैं ये भी इनकी भी मॉर्फोलॉजी क्वाइल्ड मॉर्फोलॉजी है, जैसे मेटल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की तरह क्वाइल्ड होते हैं ये। और कह रहे हैं कि इनका जो यूनिक करेक्टर है जिसकी बेस पर इनको बाकियों से अलग किया जाता है वो इनका मूवमेंट, इनके जो मूवमेंट करने की जो सलाहियत है वो बाकियों से डिफरेंट हैं। अब वो क्या है कि इनके अंदर दो या दो से ज़्यादा एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, उन एक्सियल फिलामेंट्स को एंडोफिलेजेला कहते हैं। अब एंडो का मतलब है कि विद इन, मतलब आमतौर पर जो फिलेजेला बॉडी के बाहर होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में भी फिलेजेला होते हैं वो उनकी बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन इनके यूनिकनेस ये है जो फिलेजेला है वो विद इन द सेल बॉडी के अंदर है, तो एंडोफिलेजेला। अब दो या दो से ज़्यादा जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं वो इनके बॉडी में जो आउटर शीथ है और जो सेल की जो मेन बॉडी है इनके दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे ये एंडोफिलेजेला होते हैं, ठीक है, विद इन द स्पेस बिटवीन द शीथ एंड द मेन बॉडी ऑफ द सेल, तो इस स्पेस के अंदर जो है वो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। अब जो एक्सियल फिलामेंट का जो एक एंड है, ठीक है, वो अटैच होता है नियर ए पोल ऑफ द सेल, ठीक है, तो सेल के किसी एक पोल, एक जो किनारा है उस साइड पर अटैच होगा एक्सियल फिलामेंट की एक साइड जो है एक एंड। बाय रोटेटिंग इट्स एक्सियल फिलामेंट द सेल रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जब एक्सियल फिलामेंट को ये रोटेट करते हैं और
उस रोटेशन की वजह से इनकी जो बॉडी है वो भी रोटेट करती है लाइक ए कॉर्कस्क्रू, ठीक है, विच इज़ वेरी एफिशिएंट इन मूविंग द ऑर्गेनिज्म थ्रू लिक्विड, ठीक है। जब वो घूमते हैं तो ये लिक्विड में से ईजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब बाहिर तो ये एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि याद रखना है कि बैक्टीरिया के लिए जो वाटर है वो बहुत ही विस्कस है। जैसे समझ लें कि हमारे लिए शहद एक गाढ़ा महलूल है, विस्कस है, तो बैक्टीरिया के लिए वाटर जो है वो इसी तरह विस्कस है, ठीक है। तो उसके लिए बैक्टीरिया के लिए इसके अंदर मूव करना इतना आसान नहीं है, उसको एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो मूवमेंट है वाटर के अंदर, वो एक सेकंड में तकरीबन 50 माइक्रोमीटर का जो फासला है वो तय कर सकते हैं। अब ये कितना बनते हैं, ये उस बैक्टीरिया की अपनी जो बॉडी साइज़ है उससे तकरीबन 100 times 100 गुना वो ज़्यादा फासला तय करते हैं। जितनी उसकी अपनी बॉडी साइज़ है उससे वो 100 गुना। इसके मुकाबले में जो फिश है वो एक सेकंड में अपनी बॉडी साइज़ के 10 गुना फासला तय कर सकती है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अपने बॉडी साइज़ के लिहाज से काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। फिश का अगर जो साइज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फीट है, तो वो 100 फीट का फासला तय कर सकेगी एक सेकंड में 10 गुना, ठीक है। लेकिन ये उसके मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा फासला तय करते हैं एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। और दूसरी बात कि इनके लिए वाटर जो है वो मैंने पहले बात की कि बहुत विस्कस है, ठीक है। तो उसके बावजूद ये इतनी एफिशिएंट इनके अंदर लोकोमोशन है और यही इनका यूनिक करेक्टर है। क्या जो स्पायरोकीट्स हैं ये ह्यूमंस की ओरल कैविटी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो लिवेनहुक था उसने 16वीं सदी में, ठीक है, इनको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और ह्यूमंस के सलाइवा और टूथ स्क्रैपिंग से उन जो स्लाइड बनाई और माइक्रोग्राफ जो उसने बनाई, तो उसके अंदर स्पायरोकीट सी वो पहले बैक्टीरिया थे जिनको उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। कह रहे थे जो सेलुलू स्पायरोकीट्स हैं, ठीक है, ये जो हैं इसके अलावा एक टर्माइट जो हैं, टर्माइट के अंदर एक प्रोटोजोवा होता है, ठीक है, प्रोटोजोन, तो ये उस प्रोटोजोन की सरफेस पर होते हैं। अब टर्माइट के अंदर प्रोटोजोवा जो है वो क्या काम करते हैं कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। टर्माइट क्या है, जो दीमक वगैरह है, लकड़ी खाती है, ठीक है, तो उसमें जो प्रोटोजोवा है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। जो वुड है उसमें सेलुलोज है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उस टर्माइट के अंदर एक प्रोटोजोवा होता है, ठीक है। तो ये दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, दोनों को बेनिफिट है। प्रोटोजोवा जो है टर्माइट को वुड डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और बदले में उस टर्माइट के अंदर ये रहाइश रखी हुई है प्रोटोजोवा ने, और उसको फूड भी मिल रहा है टर्माइट से। और ये जो स्पायरोकीट्स हैं ये उस प्रोटोजोवा की सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटोजोवा को लोकोमोशन में मदद देते हैं, क्योंकि उस प्रोटोजोवा के ऊपर अपना कोई फ्लैजेला नहीं होता, जबकि स्पायरोकीट्स में फ्लैजेला है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोवा की मदद करते हैं उसको लोकोमोशन में, और प्रोटोजोवा टर्माइट की मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, वुड को, ठीक है। और बदले में इन दोनों को वहाँ पे रहाइश मिल रही है और फूड मिल रहा है। नेक्स्ट इनकी और इम्पॉर्टेंट जीनस है ट्रैपोनीमा। ट्रैपोनीमा जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था जीनस को, कि इनकी लोकोमोशन हमने डिस्कस की थी। तो दोबारा जो ट्रैपोनीमा है ये कह रहे कि इनकी जो इम्पॉर्टेंट जीनस है ट्रैपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ये साइफिलिस डिजीज़ जो है वो काज करती है ये स्पीशीज़। इसी तरह एक और इनकी जीनस है बोरेलिया। बोरेलिया जो है ये रीलैप्सिंग फीवर एंड लाइम डिजीज़ काज करती है, ठीक है। लाइम डिजीज़ जो है वो आमतौर पर टिक्स या लाइस के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। तो टिक या लाइस जो हैं जब वो ब्लड सक करने के लिए ह्यूमंस को बाइट करते हैं तो उनसे ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलैप्सिंग फीवर का मतलब कि बुखार उतर के फिर हो जाते हैं बार बार, ठीक है। और लाइम डिजीज़ के अंदर भी जो है वो बुखार ही होता है,
तो ये जो है बोरेलिया जो जीनस है इससे ताल्लुक़ रखने वाली जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ये काज करती हैं। देन है लेप्टोस्पीरा। लेप्टोस्पीरा जो है ये लेप्टोस्पायरोसिस डिज़ीज़ काज करती हैं, ठीक है। और इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कंटेमिनेटेड वाटर है, ठीक है, कि अगर जो पानी जो है वो साफ़ ना हो तो और ये जीनस में हो मौजूद हो तो उससे ये डिज़ीज़ हो सकती है लेप्टोस्पायरोसिस। अब ये पानी में कैसे आते हैं? जब जो एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स, रैट्स या स्वाइन, ठीक है, ये जो हैं जब इनका जो यूरिन है अगर ये पानी में चला जाए तो उनके यूरिन के ज़रिए बैक्टीरिया जो हैं वो पानी में आ जाते हैं और उस पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं या डोमेस्टिक कैट्स हैं इनको रूटीन में जो है वो इम्यूनाइज्ड किया जाना चाहिए, ठीक है, और ताकि अगर उस आपके जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं, रेट्स हैं, उनमें ये बैक्टीरिया मौजूद है तो वो नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। एक मिनट जरा होल्ड कर दीजिएगा। हाँ जी सुनो, अच्छा नेक्स्ट जो है इनका फाइलम है, फाइलम बैक्टीरियाइडस। अब कह रहे कि इसमें बहुत सी एनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसी जेनरा हैं जो कि एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इनकी इम्पॉर्टेंट जो जीनस है बैक्टीरियाइडस, ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में ये आमतौर पे पाए जाते हैं। और इनकी जो दूसरी जीनस है प्रेवोटेला, ये ह्यूमंस के माउथ में कामली जो है वो पाई जाती है। कह रहे कि जो फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाली जो बैक्टीरिया हैं और वो सॉइल में भी पाए जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो जीनस है साइटोफेगा, साइटोफेगा के जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं, वहाँ पे ग्लाइडिंग मोटाइलिटी जो है उनके अंदर होती है। पहले बात करते हैं इनकी जो ग्रुप है बैक्टीरियाइडस। कह रहे हैं जीनस जो बैक्टीरियाइडस हैं ये ह्यूमंस की आमतौर पर इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और बाज़ का इतनी इनकी तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं कि पर ग्राम ऑफ फीसिस में इनकी तादाद 1 बिलियन तक हो सकती है, ठीक है। एक ग्राम ऑफ फीसिस के अंदर 1 बिलियन तक ये हो सकते हैं जब अगर वो कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो साजगार मिल जाए। तो कह रहे कि चूँकि ये एनएरोबिक हैं तो ये एनएरोबिक जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको ये प्रेफर करते हैं। जैसे जिंजिवल क्रीवाइस है ये वहाँ पे भी मौजूद होते हैं, या गम्स में, ठीक है, जो मसूड़े वगैरह हैं तो वहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर ये ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, मतलब कैविटीज़ के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अवेलेबल ना हो। कह रहे कि ये जो हैं दीज आर नॉन मोटाइल एंड दे डू नॉट फॉर्म एंडोस्पोर, ठीक है, ये एक फीचर है कि एंडोस्पोर नहीं बनाते। कह रहे कि बैक्टीरियाइडस जो हैं ये आमतौर पे अगर आप कोई सर्जरी या कोई वाउंड, कोई ज़ख्म हुआ है बॉडी में तो ये वहाँ से बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और पेरिटोनाइटिस काज करते हैं, जो पेरिटोनियम है, ठीक है, जो एब्डोमिन के अंदर जो पेरिटोनियम होती है तो उसमें स्वेलिंग का बायस बनते हैं और इन्फ्लेमेशन ऑफ परफोरेटेड बोवेल। परफोरेटेड का मतलब सुराखदार, ठीक है, तो बोवेल में को जो जो वाल है उसको जो डैमेज कर देते हैं, ठीक है, उसमें समझ के सुराख बन जाते हैं, परफोरेटेड हो जाते हैं और उसके नतीजे में स्वेलिंग हो जाती है। देन इसकी जीनस है साइटोफेगा। साइटोफेगा जो है ये सेलुलोज को डिग्रेड, सेलुलोज और काइटन को डिग्रेड करती है, ठीक है, और दोनों चीज़ें सॉइल में मौजूद हैं। तो साइटोफेगा जो है वो सॉइल में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़ाहिर है सॉइल में जो प्लांट्स हैं कोई उनकी टहनियाँ टूट के गिरेंगी या पौधे होंगे या
इंसेक्ट्स की जब डेथ होगी, जाहिर है वो कीड़े मकोड़े वो मट्टी में होंगे, उनकी बॉडी के ऊपर काइटन होगा, तो ये सेलुलोज और काइटन को डिग्रेड करते हैं। इनकी जो मूवमेंट है वो ग्लाइडिंग के जरिए ये मूव करते हैं, कह रहे हैं, और ग्लाइडिंग की वजह से ये जो है वो जो माइक्रोब्स हैं इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद दीज सबस्ट्रेट्स, ठीक है, तो ज़्यादा ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो टूवर्ड्स फूड जहाँ पे सेलुलोज है या काइटन है, तो ये उस तरफ मूव करके जा सकते हैं और एंजाइम्स की मदद से ये उनको फिर डिग्रेड करते हैं। देन आता है इनका नेक्स्ट जो फाइलम है, फाइलम फ्यूजो बैक्टीरिया। जो फाइलम फ्यूजो बैक्टीरिया है, कह रहे कि ये जो फाइलम है इसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव नहीं कर सकते, और दीज आर प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक मीन इरेगुलर शेप है, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और ये स्पिंडल शेप होते हैं। फ्यूजोबैक्टीरियम इनकी जीनस है एक, और दे आर लॉन्ग एंड स्लेंडर एंड पॉइंटेड। इनके जो एंड्स हैं, ठीक है, वो पॉइंटेड होते हैं रादर देन ब्लंट एंड्स, ठीक है, जो इनकी मतलब बॉडी के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं वहाँ से ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं और नोकदार होते हैं, ठीक है। ये भी आमतौर पे ह्यूमंस की गम्स में ये मौजूद होते हैं, और जो दांतों के जितने भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें बड़ा रोल जो है वो फ्यूजोबैक्टीरियम का ही। ये इनकी शेप है, इस पिक्चर में इनकी शेप दिखाई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि जो एंड्स हैं वो नोकदार हैं, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स हैं।